बारहवें वचन में याकूब लिखते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय दसवें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहे, अंतिम सांस तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और पौलुस कहते हैं कि भविष्य में मेरे लिए वो धर्म का मुकुट है जिससे वो धर्मी और न्यायी प्रभु यीशु मसीह देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके आने को प्रिय जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम इस दुनियावी परीक्षाओं में स्थिर रहे, यदि हम शैतान के द्वारा या अपने ही द्वारा हम जो परीक्षाओं में फंसते हैं हम उसमें स्थिर रहे, तो निस्संदेह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा के अनुसार हमें वो जीवन का मुकुट देगा। तेरहवें वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, याकूब यहां पर लिखते हैं, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन का सत्य है, परमेश्वर मेरी और आपकी परीक्षा अपने आप से नहीं करता है, परमेश्वर मेरी और आपकी ताड़ना अपने आप से नहीं करता है, या शैतान हमारी परीक्षा अपने आप से नहीं करता है। बल्कि यहां पर चौदहवें वचन में याकूब लिखते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति मैं और आप अपनी ही अभिलाषा से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब परीक्षाओं में पड़ते हैं तो ये ना सोचें कि ये परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से पड़ी हैं। हाँ, ताड़नाएं होती हैं हमारे विश्वास की परख के लिए, ताड़नाएं होती हैं हमारे धीरज की परख के लिए, लेकिन ज्यादातर जो परीक्षाएं हम देखते हैं, शैतान जो जाल बुनता है या हमें उसमें फंसाता है, वो हम अपने आप से उसमें फंसते हैं। हम अपनी अभिलाषाओं में फंस कर उसमें खींच कर उस परीक्षा को जन्म देते हैं, हम उस परीक्षा में पड़ जाते हैं। क्योंकि यदि हमारे अंदर अभिलाषाएं नहीं है, यदि हमारे अंदर एम्बिशियस नहीं है, यदि हमारे अंदर पक्का विश्वास है और हम संतोषी जीवन जी रहे हैं, तो हम किसी चीज की अभिलाषा ही नहीं करेंगे। और यदि हम किसी चीज की अभिलाषा करेंगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अभिलाषा ही है जो हमें परीक्षा में डालती है, यह अभिलाषा ही है हमें परीक्षा में डालती है, चाहे वो किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की अभिलाषा हो। बहुत सारे लोगों के एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशन है कि हम ये करें, हम वो पालें, हम यहां पहुंच जाएं, हम ये कार खरीद लें, हम ये वाली कार खरीद लें। ये अभिलाषाएं हैं, ये अभिलाषाएं हैं, ये नाशवान अभिलाषाएं हैं जो इस धरती पर हम करते हैं। इन्हीं के कारण हम अपने आप इन अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं, और फिर यह अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, इसी अभिलाषा से पाप उत्पन्न होता है, मेरे प्यारे भाई बहनों। और जब पाप बढ़ जाता है तो फिर वो पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है, वो मृत्यु जो दूसरी मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक पाप का जो प्रतिफल है मृत्यु के रूप में, जो आदम ने किया वो हम लेकर के बैठे हुए हैं, हम उस मृत्यु के द्वारा इस धरती पर मरेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें अनंत जीवन भी दिया गया है। लेकिन यदि हम अपनी अभिलाषाओं में फंसे रहेंगे, अपनी सांसारिक लालसाओं में फंसे रहेंगे, तो यहाँ पर याकूब कह रहे हैं कि यह मत कहना कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा की थी। परमेश्वर परीक्षा नहीं कर रहा है, ना वो चाहता है तो तुम्हारी परीक्षाएं करे। कुछ ताड़नाएं वो जरूर देता है, लेकिन वो कभी बुरी बातों से तुम्हारी परीक्षा नहीं ले सकता, ना ही वो लेना चाहता है। तुम बुरी बातों में खुद फंसते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये जानना होगा कि हम कौन सी परीक्षा में पड़े हैं। क्या परमेश्वर हमें लालच देगा? क्या परमेश्वर हमें लालच दे करके हमें परीक्षा में डालेगा? नहीं। जब परमेश्वर की ओर से ताड़ना होती है वो डिफरेंट होती है, उसमें दुनियावी चीजों का लालच नहीं होता है, दुनियावी चीजों की अभिलाषा नहीं होती है। हम जब अपने जीवन में कोई अभिलाषा नहीं रखते हैं, कोई भी सांसारिक लालसा नहीं रखते हैं, उसके बावजूद हमारे जीवन में अगर कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की ओर से वो ताड़ना है, कि हमारे आत्मिक जीवन में कोई ना कोई कमी है, और हम पवित्र आत्मा के कॉन्शियस से उसे समझ जाते हैं और हम सही रास्ते पे आ जाते हैं। लेकिन जो ये परीक्षाएं होती हैं उस अभिलाषा के लिए या हम दूसरों का स्टेटस देख के अपने अंदर आत्मग्लानी महसूस करके अपने आप को उसके बराबर का बनाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, तो क्या करते हैं? वो अभिलाषा जब हम अपने अंदर उत्पन्न करते हैं तो तब हम शैतान के फंदे में फंसते हैं, और जब हम उसके फंदे में फंसते हैं तो वो अभिलाषा पाप को जन्म देती है।
वो अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन अभिलाषाओं के ही लिए कि हम उससे बड़े हो जाएं, हमें ये चीज मिल जाए, हमें वो चीज मिल जाए, हम पाप को उत्पन्न करते हैं और वो पाप हमारे जीवन में मृत्यु को उत्पन्न करता है, उस मृत्यु को जो दूसरी मृत्यु है वो गंधक की झील है। इसलिए हम ये ना कहें कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, वरन हम अपने आप को जांचें कि हमने अपने जीवन में कौन सी अभिलाषा को पाल रखा है। तो कोई अभिलाषा मत पालिए, एक ही अभिलाषा और एक ही आशा अपने जीवन में रखिए, तो आपका जीवन संतोषी हो जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, क्योंकि आप सच्ची आशा के साथ जिएंगे, वो आशा जो अनंत जीवन की। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।